नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? फ्रेंड ECST 10 में पाकिस्तान मोनाकाडा वर्सेस हीरा का मुकाबला है, तो मैं इसकी आपको एक ड्रीम 11 की टीम दे रहा हूँ, जिससे ना कि आप एक अच्छा जीतेंगे बल्कि एक अच्छी टॉप रैंकिंग में आएगी आपकी। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं इसमें जो सिलेक्शन हमें करना है कि कौन सा प्लेयर सेलेक्ट करना है और कौन सा नहीं, इसमें मैं सब बताऊँ। तो इसमें मैं आपको बात बताऊं कि हमें कौन सा प्लेयर सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले हमें इसमें देखना पड़ेगा कि विकेट कीपर कौन सा लेना है। तो विकेट कीपर मैंने जो ली हैं वो हैं के शाफ़ी और एम इशाद, क्योंकि के शाफ़ी थोड़े ऊपर आते हैं और आपके लिए पाकिस्तान में यही एक अच्छे हैं, तो आप इनको ले सकते हैं। वहीं एम इशाद दोनों ही अभी इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है, लेकिन एम इशाद का पलड़ा भारी है क्योंकि काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, मिडल ऑर्डर इनका स्ट्रॉन्ग करते हैं टीम का, तो आप इनको ले सकते हैं। बैट्समैन ने ए भट्ट को लिया है मैंने, यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करा है, आप इनको एक दे सकते हैं। पिछले मैच में 35 की इनिंग खेली थी, तो आपको ये काफ़ी अच्छा दे सकते हैं स्टार्ट। वहीं एच सिंह और तीसरे प्लेयर हैं इमरान हुसैन। इमरान हुसैन के बिना आप कतई नहीं जाएगा, मैं आपको राय दे रहा हूँ। अगर आप इमरान हुसैन के बगैर जा रहे हैं तो आपको लॉस होने के चांसेस हाई हो जाएंगे। बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बहुत टॉप के प्लेयर हैं और ऐसे हैं कि एक्सपीरियंस कम है, कम मैच खेले लेकिन काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, इनके बिना ना जाइएगा। ऑलराउंडर ने एस शहजाद आपके लिए काफ़ी अच्छी चॉइस बनाएंगे। वहीं ए अब्बास, ये दोनों प्लेयर आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, आप इनको लेके एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इन दोनों ऑलराउंडर्स के लिए, खासकर अब्बास जिन्होंने पिछले मैच में 3 विकेट निकाले हैं, वही बी खालिद भी आपके लिए एक सुपीरियर स्टार्ट देंगे, इनको भी लेके आप एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो जुड़ लें इन्हें। बाकी बॉलर्स की बात करी जाए तो अमर उल हक, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छे प्लेयर होंगे, काफ़ी अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग हैं काफ़ी, तो इनको जुड़ दीजिए। इमरान उल हक ये भी एक अच्छे प्लेयर हैं, आप इनके बिना ना जाएं। पिछले मैच में 2 विकेट निकाले हैं, तो आप इनको ले सकते हैं। तीसरे प्लेयर हैं एच उस्मान अनवर, जो कि काफ़ी टॉप के प्लेयर हैं और काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं, इनको लेके भी आप एक स्ट्रॉन्ग डोमिनेंस बना सकते हैं। ये सारे कॉम्बिनेशन से आपकी एक टीम बनेगी। अब फ्रेंड्स, इसके बाद करते हैं बात की कि हमें कैप्टन कौन सा बनाना है और वाइस कैप्टन कौन सा बनाना है। ये कैप्टन के लिए आपके लिए इमरान हुसैन जैसा प्लेयर बेस्ट है, वहीं अगर आपको इसके अलावा कैप्टन की चॉइस करें तो बी खालिद, अब्बास है, इशाद है और शहजाद, आप इनमें से कैप्टन वाइस कैप्टन किसी को बना सकते हैं। मेरी पसंद में हुसैन आपके लिए बेस्ट होंगे कैप्टन में और बी खालिद होंगे वाइस कैप्टन के लिए बेस्ट। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और जैसा तैयार कमेंट कर देना इस वीडियो को। थैंक यू फ्रेंड, आई होप आप इससे एक अच्छा अर्न करेंगे। बाय बाय।